Assalamualaikum, मेरा नाम है जहांसेफ हाशमी और यह है फोर्ट मस्टैंग जीटी 5.0 V8 कन्वर्टेबल 2019 मॉडल। ये फोर्ट जीटी की 6th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2016 में लॉन्च की गई थी और ये गाड़ी 2022 तक आई है। इसको एक बार फेसलिफ्ट किया गया था 2018 में और ये गाड़ी फेसलिफ्ट के बाद वाला वर्जन है। और फेसलिफ्ट के बाद इस गाड़ी में बहुत सारे रिफाइनमेंट्स की गई थी, वो क्या है मैं आगे कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए गाड़ी कुछ मेन हाईलाइट फीचर्स की तो वो ये है कि ये गाड़ी प्रॉपर यंगस्टर्स पे फोकस है। इस तरह से कि एक गाड़ी में इंजन 5.0 V8 आता है, ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है तो ये गाड़ी टेल भी बहुत जबरदस्त करती है, हैवी काफी पावरफुल, और इसके अलावा ये गाड़ी कन्वर्टेबल भी है, लुक्स के लिहाज से काफी अग्रेसिव है, फीचर्स भी डिसेंट ऑफर करती है और ये प्रॉपर अमेरिकन मसल कार है, इसकी साउंड भी काफी लाउड है। खैर ये सारे फीचर्स मैं आगे डिटेल में कवर करने वाला हूँ अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 4,90,00,000 रुपए है। ये गाड़ी 19 मॉडल है और इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटर स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट बन के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स के अलावा एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। फिर यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और यहाँ पे एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन या बाइंग एंड सेलिंग के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर स्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट मस्टैंग एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स टॉक अबाउट द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से गाड़ी लिटरली एक पीस ऑफ आर्ट है। ये गाड़ी देखने में बहुत सारा अग्रेसिव है और बड़ी खूबसूरत है। अगर आप इसको इन पर्सन देखें तो इस गाड़ी की बहुत मीन सी लुक आती है। कैमरा में आपको इसके स्केल का आइडिया नहीं हो रहा होगा लेकिन ये गाड़ी अच्छी खासी वाइड है और लंबी भी काफी है। साइज के लिहाज से गाड़ी सन्नाटा जितनी है और इसमें सब कुछ काफी मैसिव है। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो फ्रंट लुक इस गाड़ी का अगेन पूरी गाड़ी की तरह काफी अग्रेसिव है और ये इसकी फेसलिफ्ट के बाद वाली हेडलाइट्स हैं। प्री फेसलिफ्ट कार में हेडलाइट्स थोड़ी डिफरेंट आती थी, उसमें नीचे वाला खाली पोर्शन नहीं होता था, वो पूरी ही एक हेडलाइट होती थी और उसमें 3 DR आती थी फ्रंट पे। अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट की तो ये फेसलिफ्ट के बाद वाली है। फेसलिफ्ट के बाद इसकी लुक को चेंज कर दिया गया था। पहले प्री फेसलिफ्ट कार में ये पूरी ही एक हेडलाइट आती थी, यहाँ पे फेसलिफ्ट के बाद इसके नीचे एक ब्लैंक सा एरिया ऐड कर दिया गया। आरोन इसकी क्या सेंस बन रही है, यहाँ पे कोई एयर वेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, ये जस्ट ऐसे ये खाली एरिया है। और उसके अलावा फेसलिफ्ट के बाद इसकी जो DRLs हैं इनको भी थोड़ा सा कर्व कर दिया गया था। प्री फेसलिफ्ट कार भी स्ट्रेट थी। बाकी लो और हाई के लिए इसमें एक ही प्रोजेक्शन लैंप दिया गया है और उसके अलावा इंडिकेटर भी इसके नीचे आते हैं। यहाँ पे इसमें 2 DRL आती हैं। अगर आप गाड़ी को बंद करके सिर्फ इग्निशन ऑन रखते हैं, लाइट्स बंद हो तो ये वाली DRL जलती हैं। अगर आप इग्निशन ऑफ करके खुद पार्किंग ऑन करते हैं तो फिर ये वाली DRL जलती हैं। ये बेसिकली इसकी पार्किंग लाइट्स हैं। इंडिकेटर में भी यही स्विच होती हैं और उसके अलावा नीचे यहाँ पे फिर एयर कंडक्ट्स दिए गए हैं जहाँ से गाड़ी हवा सक करके बैक से बाहर करती है और इस गाड़ी की एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है। ये तो कुछ मेन एक्सटीरियर के क्वार्ट्स। अब अगर बात की जाए इसके फीचर्स की तो फीचर्स भी गाड़ी डिसेंट ऑफर करती है। इस तरह से कि इसके वाइपर्स रेन सेंसिंग हैं, ये बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होते हैं। इसकी हेडलाइट्स भी ऑटोमेटिक हैं, यानी कि नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होती हैं। फिर इसमें फ्रंट पे ये पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं और इस गाड़ी में रडार भी आता है जो कि इस गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करता है। वो सब मैं कवर करूँगा इंटीरियर में जाके। इसके अलावा इसके बम्पर में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्टर लाइंस दी गई हैं, नीचे के स्प्लिटर दिया गया है जो कि इसके बम्पर को स्क्रैच होने से बचाता है। और उसके अलावा फिर ये गाड़ी ब्लैक डॉट वर्जन है, इसमें ये फोर्ड का लोगो, साइड के लोगो और बैक पे जो GT का लोगो है ये ब्लैक डॉट है, जबकि स्टैंडर्ड कार में ये क्रोम में आता है। इसके अलावा इसमें ये 2 स्ट्राइप्स ऐड की हुई हैं जो कि इसके लुक को बहुत बेहतर बना रही हैं। इसके अलावा इसके बोनट के अंदर ये 2 एयरवेंट्स दिए हुए हैं जहाँ से गाड़ी हवा सक करके इसके इंजन में फीड करती है। बाकी इसके वाइपर्स काफी हिडन है, बोनट के नीचे दिए गए हैं और इसकी विंडस्क्रीन भी काफी छोटी सी है। इस पर आगे बात करूंगा अभी। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज मेंशन करना चाहूंगा। पूरे पिंडी इस्लामाबाद में 2 रेड मस्टैंग थी, दोनों कन्वर्टेबल थी, दोनों GT 5.0 थी। एक 2018 थी, एक 2019 थी। 2018 वाली कार साइकिल मोटर स्पोर्ट के पास अवेलेबल थी और वो गाड़ी यहीं से सेल हो गई है। ये वो गाड़ी नहीं है, ये डिफरेंट कार है। ये वो गाड़ी है जिसका मैंने पहले वाले रिव्यू में मेंशन किया था कि इस गाड़ी के बजट क्रोम में है, लेकिन यहाँ पे एक और गाड़ी है जो कि हमारे पास नहीं है बट उसके बजट ऑल ब्लैक आते हैं। ये वो गाड़ी है, ये ऑल ब्लैक बजट वाली गाड़ी है और अब ये हमारे पास फोर सेल आई भी है और ये 2019 मॉडल है। खैर अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल भी इसकी काफ़ी अग्रेसिव है। इस तरह से कि इसमें काफ़ी शार्प कट लाइंस दी गई हैं जो कि गाड़ी के सेंटर में कंटिन्यू करती हैं और उसके अलावा इसके डोर्स, फेंडर, रेयर फेंडर सब कुछ बहुत मैसिव है, लेकिन छत काफ़ी लो है क्योंकि ये गाड़ी कन्वर्टेबल है। खैर इसकी विंडशील्ड को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये देखने में लगता है कि फेंडर्स के अंदर जाके सिंक इन हो रही है, अंदर जाके ब्लेंड हो रही है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड मिरर की तो ये साइड मिरर भी फीचर्स के लिहाज से डिसेंट हैं। इस तरह से कि ये रिट्रेक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है और ये हीटेड भी है। फिर इसमें यहाँ पर इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे 5.0 की बैचिंग दी गई है क्योंकि डेफिनेटली ये 5.0 इंजन वाली कार है जिसमें 2.3 को बूस्ट आता है, उसमें यहाँ पे बैच नहीं आता। और ये गाड़ी क्योंकि ब्लैक आउट है तो इस पर ये ब्लैक बैचेस हैं। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल।
साइज के लिहाज से ये गाड़ी प्रॉपर सोनाटा या कैमरी जितनी है और हाइट के लिहाज से ये गाड़ी काफी लो लग रही है क्योंकि डेफिनेटली इसकी छत फोल्ड हुई है। छत फोल्ड होने के बाद ये गाड़ी लिटरली इतनी सी रह जाती है, ऊपर कुछ है ही नहीं। अगर आप इसकी छत को ओपन करेंगे तो फिर ये गाड़ी प्रॉपर एक सेडान की तरह हो जाती है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि सिर्फ टू डोर है तो इसमें ये दोनों डोर्स बहुत मैसिव आते हैं। इसके डोर का साइज अच्छा खासा बड़ा है। रेंज रोवर लॉन्ग व्हील बेस वर्जन वाली कार का ट्रेड और इतना होता है। इसके अलावा इस गाड़ी में एंट्री एग्जिट भी काफी आसान है, आप यहीं से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। लेकिन इसमें रेयर सीट्स के लिए भी एंट्री यहीं से ही है। आप बैक पे एंटर ऐसे होंगे कि आप इस गाड़ी की सीट को आगे करेंगे लाइक दिस और फिर आप इसको इस तरह से आगे करेंगे। खैर मेरे पास काफी सफिशिएंट जगह बन गई है यहाँ पे एंटर होने के लिए, मैं पीछे बैठ के दिखाऊंगा अभी आगे आपको। फिलहाल अगर बात की जाए इसके एक्सटीरियर की तो इसमें विंडोज जो हैं ये आगे तो आती ही हैं लेकिन बैक पे क्वार्टर ग्लास भी आते हैं जो कि यहाँ से बाहर निकलते हैं। इसके अलावा इसकी जो ये रूफ का ये वाला एरिया है जहाँ पे इसका मैकेनिज्म होता है, ये एरिया फिलहाल काफ़ी एक्सपोज है। इसके लिए फोर्ड ने अलग से दो पैनल्स दिए हुए हैं जो कि ट्रंक के अंदर ही पड़े होते हैं। अगर आप टॉप को डाउन करते हैं तो पैनल्स निकाल के आप यहाँ पे खुद फिट कर सकते हैं मैनुअली और फिर इसकी ओवरऑल जो लुक है ये काफ़ी नीट हो जाएगी। इनके बगैर ये गाड़ी थोड़ी सी रफ सी लगती है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस एंड की जो रियर फेंडर्स वगैरह काफ़ी मैसिव हैं, इसकी टॉप फोल्ड होने के बाद भी यहाँ पे काफ़ी तक प्रोमिनेंट होती है और इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा स्पेशियस होती है इवन टॉप डाउन होने के बाद भी। मर्सिडीज़ की SLK वगैरह को अगर आप देखें या कैबरियोला जो भी होती हैं कार्स उनमें टॉप डाउन होने के बाद ट्रंक कैपेसिटी नौ के बराबर बचती है, बट इस कार में ऐसा नहीं है, यहाँ पर ट्रंक फिर भी अच्छी खासी स्पेशियस रहती है। खैर इसके अलावा यहाँ पर इसका फ्यूल टैंक दिया गया है। फ्यूल कैप इसका आप ऐसे ही ओपन कर सकते हैं, ये बेसिकली इजी फ्यूल वाला फ्यूल इंसर्ट है जैसा कि फोर्ड की बाकी कार्स में आता है। आप डायरेक्ट यहाँ पे नोजल इंसर्ट करके फ्यूलिंग कर सकते हैं, आपको ये कैप नहीं खोलना पड़ेगा। इसके अलावा रिम इस गाड़ी में 19 इंचेस के आते हैं और बैक पे ये GT के टैकल सेट की हुई है जो कि इसकी लुक को और बेहतर बना रही है। बाय द वे ये इस गाड़ी का टॉप डाउन व्यू है, रूफ अनफोल्ड करके ये गाड़ी इस तरह की लगती है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रियर लुक की तो ये फ्रंट से भी ज्यादा अग्रेसिव है। इनफैक्ट ये गाड़ी का सबसे ज्यादा अग्रेसिव एरिया है क्योंकि इस गाड़ी में क्वाड एग्जॉस्ट सेटअप दिया गया है। बैक पे इसमें काफी मैसिव चार इंडिविजुअल एग्जॉस्ट दिए गए हैं और में कट ऑफ एग्जॉस्ट वॉल्व भी आता है, यानी कि अगर आप इसको क्वाइट करेंगे तो दो एग्जॉस्ट बंद हो जाएंगे, अगर आप इसको लाउड करेंगे तो चारों एग्जॉस्ट ऑन हो जाएंगे, फिर गाड़ी काफी लाउड हो जाती है। बाय द वे इससे पहले मैंने जिस मस्टैंग का रिव्यू किया था वो गाड़ी इससे बहुत ज्यादा लाउड थी, वो स्ट्रेट पाइप हुई भी थी। ये गाड़ी जेन्युइन मैनिफोल्ड के साथ है जो कि ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और इसकी साउंड को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। खैर इसके अलावा बैक पे इसकी काफी मैसिव टेल लाइट्स दी गई हैं, इसमें ये तीन लावा रेडी बार्स दिए गए हैं जो कि मस्टैंग का सिग्नेचर मूव है और ये इसके लुक को बहुत सारा मजेदार बना रहे हैं। अगर आप इनको बंद करते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं, ऑन करते हैं तो फिर ये रेड हो जाती हैं। और इसके अलावा बैक पे GT की बैजिंग दी गई है जो कि ब्लैक आउट है। GT वाला बैच उन कार्स पे आता है जो कि 5.0 V8 होती हैं, जो गाड़ियाँ 2.3 इको बूस्ट होती हैं उनके बैक पे एक हॉर्स बना हुआ होता है, तो ये गाड़ी असल मस्टैंग है। इसके अलावा बैक पे इसकी डैकल्स कंटिन्यू कर रही हैं बम्पर के नीचे तक और इसमें ये फिर एक स्किल प्लेट टाइप का एरिया दिया गया है जो कि इसके लुक को बेहतर बना रहा है। बैक पे भी गाड़ी पार्किंग सेंसर ऑफर करती है, ट्रंक को लॉक करने के लिए नीचे यहाँ पर रिलीज दिया गया है और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि अच्छी खासी स्पेशियस है अपनी कैटेगरी के लिहाज से। यहाँ पर टॉप फोल्ड हुई हुई है अभी, बट स्टिल आप यहाँ पर अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। इसके अलावा इस नीचे की लिड को उठा के आप इस गाड़ी की टूल किट एक्सेस कर सकते हैं, इसमें स्पेयर टायर नहीं आता लेकिन यहाँ पे जितना बड़ा व्हील वेल दिया गया है आप स्पेयर टायर लेके रख सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा बैक पे इसमें एक साइड पेंटिना दिया गया है, रिवर्स कैमरा आता है, ब्रेक लैंप आता है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये इंटीरियर टू टोन में है ब्लैक और वाइट के कॉम्बिनेशन के साथ। वाइट भी इस गाड़ी का काफी डिसेंट लग रहा है, इसमें ऑल ब्लैक इंटीरियर भी आता है, मैंने उसका रिव्यू किया हुआ है लेकिन स्टिल मेरे ख्याल से ये इंटीरियर भी काफी अच्छा है और सिर्फ लुक्स ही नहीं बल्कि ये गाड़ी फीचर्स भी डिसेंट ऑफर करती है। इसमें लिटरली लैंड क्रूजर ZX V8 वाले फीचर आते हैं, कैसे मैं कवर करूंगा आके। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का पूरा ही लेदर के फिनिश में है। ये 3-spoke है, इसमें लेफ्ट राइट स्पोक डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल्स हैं मटेरियल सिस्टम के हैं और इसके अलावा यहाँ से आप इसके क्रूज को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, इसके डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसके अलावा इसको रीसेट कर सकते हैं। राइट स्पोक जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं और इसके अलावा फिर यहाँ पे एक फोर्ड का बटन दिया गया है। इस फोर्ड के बटन को प्रेस करके आप इस गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके ड्राइविंग मोड्स को चेंज कर सकते हैं, एग्जॉस्ट मोड को चेंज कर सकते हैं। बाय द वे इसके एग्जॉस्ट के अंदर जो मोड्स आते हैं वो है क्वाइट, नॉर्मल, स्पोर्ट और रेस ट्रैक और फिर एक क्वाइट स्टार्ट भी है। क्वाइट स्टार्ट में ये गाड़ी क्वाइटली स्टार्ट होगी लेकिन फिर एग्जॉस्ट ओपन कर देगी। इसके अलावा फिर यहाँ पर ट्रैक ऐप दिया गया है, आप यहाँ से इसके गेजेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कलर्स को चेंज कर सकते हैं और इसके अलावा फिर आप यहाँ से क्लस्टर की अपीयरेंस को भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके स्टीयरिंग पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। लेफ्ट पे जो कंट्रोल दिए गए हैं ये इस गाड़ी के डिपर के हैं और इंडिकेटर के हैं और राइट पे जो कंट्रोल दिया गया है ये इसका हेडलाइट वॉशर है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर इसके फेसलिफ्ट के बाद से पूरी स्क्रीन कर दी गई थी। फेसलिफ्ट कार में यहाँ पे एनालॉग डायल्स आते थे काफ़ी बड़े,
अब इसको पूरा स्क्रीन बना दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ी मजे की चीज है और ये हाईली कॉन्फिगरेबल है। इसकी अपीयरेंस को आप इंडिविजुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं और फिर आप इसको एक और मोड पर रख सकते हैं कि ये ड्राइव मोड के साथ चेंज हो। जैसे आप ड्राइव मोड को चेंज करेंगे तो ये इसकी अपीयरेंस चेंज होती रहेगी। इसमें 4-5 अलग अलग मोड्स आते हैं और हर मोड ही बहुत जबरदस्त है। फिर इसके अलावा इसकी कलर स्कीम को चेंज कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि ब्लैक और रेड ही रहे, आप इसको ब्लैक और ग्रीन कर सकते हैं, ब्लैक और येलो कर सकते हैं, जो मर्जी कलर करना चाहें आप कर सकते हैं, आपकी गाड़ी के साथ इसको आप मैच कर सकते हैं। इसके अलावा फिर ये स्क्रीन आपको बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है, जैसा कि इसके ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, जी फोर्स, कंपस, नेविगेशन। फिर इसके अलावा ये TPM भी शो करवाती है यहाँ पे, यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटर, और इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि यूजली आपको कार्स में देखने को मिल जाती हैं। फिर इसके अलावा ये मीटर आपको सब कुछ शो भी माइल्स में करवा रहा है, लेकिन अगेन आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, किलोमीटर में कर सकते हैं। मीटर की हाउसिंग इसकी काफ़ी अनकन्वेंशनल सी है, ऊपर यहाँ पे एक अलग से पोर्शन दिया गया है और सेम ऐसा पोर्शन लेफ्ट पे भी दिया गया है। आई अज्यूम के जो लेफ्ट हैंड ड्राइव कार्स आती हैं उसमें ये वाला पोर्शन उठा के वहाँ लगा देते होंगे, जो राइट हैंड आती हैं उसमें यहाँ से उठा के यहाँ लगा देते होंगे। ओवरऑल अपीयरेंस सेम ही है। इसके अलावा डैशबोर्ड का सारा हिस्सा ऑटो स्पेडिंग की फिनिश में है और इसके सेंटर में काफ़ी मैसिव ग्रिल दी गई है। ये ग्रिल बेसिकली इसके सब वूफर की है। इसमें साउंड सिस्टम स्टैंडर्ड नहीं बल्कि थोड़ा सा प्रीमियम है, इस तरह से कि इसमें साउंड सिस्टम B&O का है। B&O स्टैंड्स फॉर बैंगर ओलफसन। इसके डोर्स में 4 स्पीकर आते हैं, एक सेंटर में दिया गया है, पिलर्स में ट्विटर्स आते हैं, बैक पे स्पीकर आते हैं और ओवरऑल इसका साउंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में ये 3 एयरवेंट्स दिए गए हैं। इन एयरवेंट के आसपास जो एरिया है ये ब्रश मेटालिक फिनिश में है, जो कि इसकी फील को काफी अच्छा बना रहा है। और उससे नीचे फिर इसका सिंक दिया गया है। सिंक बेसिकली ये काफी मैसिव स्क्रीन है, इसको फोर्ड सिंक कहता है। ये इसमें भी आता है, फोर्ड F-150 वगैरह में भी आता है और ये बेसिकली फोर्ड का एक प्रोप्राइटरी सिस्टम है। ये सिस्टम काफी इंटरेक्टिव है और रिस्पॉन्सिव है, अब जैसे ही टच करते हैं तो फौरन वो चीज हो जाती है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई लैग हो, डिले हो। ये अच्छा सिस्टम है। ये आपको यहाँ पे इसकी मल्टीमीडिया शो करवाएगा, जैसा कि ऑक्स, USB, ब्लूटूथ, आप इसमें CD भी डाल सकते हैं, नेविगेशन वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पे शो होगा। फिर यहाँ पे आपको क्लाइमेट कंट्रोल भी शो करवाता है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में डुअल जोन आता है, जिसमें आगे डिस्कशन करूँगा अभी। और बाय द वे इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड है, इसमें सीट्स हीटेड आती हैं, वेंटिलेटेड आती हैं, स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड आता है। ये सारे फीचर्स ये गाड़ी ऑफर करती हैं, V8 वगैरह, जो कि इससे कंपैरेटिवली काफी एक्सपेंसिव होती हैं और बहुत स्लगिश होती हैं, और वो बोरिंग डे टू डे कार्स हैं, जो कि इस तरह की एक स्पोर्टी कार के अंदर भी इतने सारे फीचर्स दिए गए हैं। खैर, इस स्क्रीन से नीचे फिर यहाँ पे कुछ फिजिकल बटन दिए गए हैं, यहाँ पर डायल्स दिए गए हैं जहाँ से आप ट्यून कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, और उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल जैसा कि मैंने बताया इसमें डुअल जोन है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से जोन के बीच में टेम्परेचर ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पे ये प्रॉपर डायल्स दिए गए हैं, जो कि अच्छे हैं क्वालिटी के लिहाज से। और इसके अलावा साथ यहाँ पे इसके हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। इसके जो हीटेड स्टेडी का कंट्रोल है वो स्क्रीन के अंदर ही आता है। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे कुछ और स्विचेस दिए गए हैं, जो कि फाइटर जेट जैसे हैं। आप इनको लिटरली फाइटर जेट्स की तरह ही ऊपर या नीचे करेंगे, लाइक दिस। और ये जो बटन है बेसिकली ये इसका मोड सेलेक्टर है, स्टेयरिंग का मोड सेलेक्टर है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का स्विच है, और फिर हैजल लाइट का बटन है। मोड सेलेक्टर बेसिकली इस गाड़ी के ड्राइव मोड्स को चेंज करता है, और इसमें जो ड्राइव मोड्स हैं वो है नॉर्मल, माई मोड, स्पोर्ट प्लस, रेस ट्रैक, ड्रैग स्ट्रिप, स्नो और वेट। तो इन सारे मोड्स के साथ ये गाड़ी अपने मीटर के डिस्प्ले को भी चेंज करती है। इसके अलावा जो इसके स्टीयरिंग के मोड्स हैं वो है नॉर्मल स्टीयरिंग, स्पोर्ट स्टीयरिंग और फिर कम्फर्ट स्टीयरिंग। इन तीनों के बीच आप इसके स्टीयरिंग को भी नेविगेट कर सकते हैं। फिर यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है और इसका पुश स्टार्ट दिया गया है। पुश स्टार्ट की लोकेशन इसकी ऑडी जैसी है। उसके अलावा नीचे यहाँ पे एक इसका सिग्नलेटर दिया गया है, USB इनपुट दिया गया है और इसका गैस सिलेक्टर दिया गया है। इसका गैस सिलेक्टर भी अनकन्वेंशनल सा है, इस तरह से कि इसके ऊपर एक पुश बटन दिया गया है और उसको पुश करके आप इस गाड़ी को डिफरेंट गियर्स के बीच में इस तरह से स्विच करेंगे, लाइक दिस। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है PR&D और स्पोर्ट। उसके साथ इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है। ये पार्किंग ब्रेक ट्रेडिशनल है, इसको आप हाथ से खींच के एंगेज करेंगे इस तरह से, लेकिन ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी वियर्ड है। इस तरह से कि गाड़ी ओरिजिनली तो लेफ्ट हैंड ड्राइव आती है, इसको कन्वर्ट किया गया है UK या पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के लिए, और कन्वर्जन के बाद स्टीयरिंग तो राइट पे आ गया लेकिन हैंड ब्रेक लेफ्ट पे ही रह गई। खुद आप सोचें कि हैंड ब्रेक का पैसेंजर के पास होने की क्या सेंस बनती है, ड्राइवर के पास कप होल्डर्स हैं, पैसेंजर के पास हैंड ब्रेक है, जबकि होता उल्टा ही है और होना भी उल्टा ही चाहिए था इस गाड़ी में। बट यहाँ तक तो गाड़ी फ्लिप कर दी गई लेकिन नीचे वाला एरिया फ्लिप नहीं किया गया। हैंड ब्रेक इसकी पैसेंजर के पास है, कप होल्डर मेरे पास हैं, इनमें एम्बियर लाइट्स भी दी गई हैं और से पीछे का सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल इस गाड़ी का स्पेस के लिहाज से अच्छा है, स्पेशियस है, यहाँ पे आप USB लगा सकते हैं और इसके अलावा इसमें एक और पावर आउटलेट दिया गया है। अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की तो सीट्स भी इस गाड़ी की काफ़ी कंफर्टेबल हैं और इस साइड से भी काफ़ी बाहर तक आई हुई हैं, तो आपको प्रॉपर हग करती हैं। ये सीट्स पर हीटेड भी हैं और वेंटिलेटेड भी हैं, और इसके अलावा ये एडजस्टेबल भी इलेक्ट्रॉनिकली हैं। साथ ही यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं जिससे आप इनको इलेक्ट्रॉनिकली आगे या पीछे कर सकते हैं, लाइक दिस। सीट वाला ही लेदर इसके डोर के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है, और इसके अलावा इसके डोर पैनल्स काफ़ी मैसिव हैं। विंडोज गाड़ी में दो ही आती हैं और इनको आप इस तरह से रोल अप
या रोल डाउन कर सकते हैं। और ये विंडोज हैं भी डबल ग्लेज, यानी कि ये आम विंडो से कंपैरेटिवली थिकनेस में डबल है, ताकि बाहर की नॉइज अंदर ना आए और ना ही अंदर की बाहर जाए। इसके अलावा पीछे फिर एक मास्टर स्विच दिया गया है। इस मास्टर स्विच से बेसिकली आप इसकी पिछले विंडोज और अगले विंडोज को इकट्ठा रोल अप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे इसके साइड मिरर के कंट्रोल दिए गए हैं, साइड मिरर ये गाड़ी रिट्रैक्टेबल ऑफर करती है, यानी कि आप इसको गाड़ी के अंदर सही फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हैं। और ऊपर यहाँ पे इसके हेडर के कंट्रोल दिए गए हैं। इसके अलावा ये गाड़ी कन्वर्टेबल है, कन्वर्टेबल के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसकी छत को अगर मैंने अनफोल्ड करना है तो मैं इस तरह से करूँगा, ये बटन दिया हुआ है, इसको मैं अगर दबा के रखूँगा तो इस गाड़ी की छत खुद आ जाएगी लाइक दिस, इस तरह से। वैसे यूजली गाड़ियों में ये इतना ही होता है, लेकिन फोर्ड के अंदर आप इसको लॉक भी करते हैं इस तरह से। अब ये सिक्योर हो गई है। और इसके अलावा अंदर से ये भी प्रॉपर फैब्रिक की फिनिश में है, फील के लिहाज से कहीं से नहीं लगता है कि ये छत उतरती है, लेकिन स्टिल ये फोल्ड होती है। इसमें बैक पे एक विंडशील्ड भी आती है, जिसमें मैं यहाँ से बैठ कर देख सकता हूँ। और इसके अलावा इस गाड़ी का रियर व्यू मिरर भी ऑटो डिमिंग वाला है, ये तेज़ रोशनियों को सेंस करके ऑटोमेटिकली डिम हो जाता है। इसके अलावा कैमरा लाइट्स इसकी नॉर्मल सी दी गई हैं, वैनिटी मिरर्स गाड़ी में ड्राइवर जो दोनों के लिए आते हैं विद अ लाइट जो ऑटोमेटिकली ऑन होती है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी में रियर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। इस पर एंटर होने का ये तरीका है कि मैं इसका फ्रंट डोर खोलूँगा, डोर इसमें एक ही आता है, और मैं इसकी फ्रंट सीट को पहले इस तरह से फोल्ड करूँगा और फिर आगे करूँगा लाइक दिस। अभी ऐसा ऐसा आगे होगी, फिर मैं यहाँ बैठ के डोर बंद करके इस सीट को पीछे कर सकता हूँ लाइक दिस। यूजली कार्स जो खुद पीछे आती हैं, बट इसमें पीछे नहीं आ रही, लेकिन फ्रंट सीट को नीचे थोड़ा सा आगे करने के बाद मेरे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ लेगरूम बन गया है। मेरे पास लेगरूम यहाँ पे अब स्पेशियस है, और हेडरूम का डेफिनेटली इसमें कोई इशू, और हेडरूम का डेफिनेटली इस गाड़ी में कोई इशू है ही नहीं। अगर इसकी छत को मैं अनफोल्ड करता हूँ तब भी यहाँ पे सफिशियंट हेडरूम होता है। बैक पे यहाँ पे दो लोग एडजस्ट हो सकते हैं अगर फ्रंट लोग अपनी सीट्स को थोड़ा सा आगे रखें। अगर बिल्कुल ही लेट के चलाएंगे तो फिर यहाँ पे दो लोग नहीं आ सकते, वरना अगर नॉर्मल सीटिंग पोस्ट पे रखें तो बैक पे दो लोग एडजस्ट हो जाएंगे। और ये सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं क्योंकि छोटी सी सीट्स हैं और काफ़ी झुकी भी हैं, तो यहाँ पे बंदा काफ़ी कंफर्टेबली बैठता है। ये मेरा सीटिंग पोस्ट काफ़ी कंफर्टेबल है। और इसमें यहाँ पे मैनिटीज भी ठीक दी गई हैं बैक पे, इस तरह से कि यहाँ पे स्पीकर्स भी आते हैं, सीट बेल्ट्स भी आती हैं, आसपास के पोर्ट्स भी आते हैं, और इसके अलावा बैक वाले पैसेंजर्स भी फ्रंट के कप होल्डर्स को यूज़ कर सकते हैं। बाहर निकलने का भी सेम प्रोसीजर है, पहले मैं इसको पुल करूँगा और ये सीट आगे हो जाएगी। फिर इसके अलावा मैं खड़ा होकर अगर इसके फ्रंट डोर को ओपन करूँगा तो मेरे पास बाहर निकलने के लिए काफ़ी एरिया बन गया है। अगर यहाँ पर छत खुली भी हो तो बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट स्टिल इम्पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर एडजस्ट हुआ जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो ये स्पेसिफिक कार मस्टैंग जीटी है। हर मस्टैंग जीटी नहीं होती, जीटी मस्टैंग के अंदर 5.0 लीटर V8 इंजन आता है, यानी कि 5000 cc। इसमें 5000 cc इंजन है और ये गाड़ी बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये गाड़ी 460 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और ये सारे के सारे हॉर्सेस रियर व्हील्स पे जाते हैं। ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, तो आप इसको ड्रिफ्ट बड़े मजे से कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपका अगर हाथ बैठा हुआ है तो आप इसको अच्छे से ड्रिफ्ट कर पाएंगे। अगर हाथ नहीं बैठा हुआ और इसको बैठ के आप शुरू में ही सही फ्लोर कर देंगे तो ये गाड़ी निकल के आपसे लग भी सकती है। मस्टैंग काफी सारा फेमस है कंट्रोल लूज करने के लिहाज से, तो आपको इसके साथ काफी केयरफुल होना पड़ेगा। खैर, मस्टैंग दो मेन इंजन ऑफर करती है, 2.3 लीटर इको बूस्ट एंड 5.0 लीटर V8 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। असल मस्टैंग यही होती है। 2.3 वाली कार 4 सिलेंडर होती है और वो बड़ी वीक सी गाड़ी होती है, ये गाड़ी प्रॉपर एक बीस्ट है। इसके अलावा इस गाड़ी का इंजन ब्रेक काफ़ी टाइटली पैक्ड है क्योंकि इसका काफ़ी मैसिव इंजन है। इस साइज़ के इंजन वैसे बेसिकली प्रॉपर फुल साइज SUVs में आते हैं। मेरे साथ यहाँ पर लैंड क्रूजर V8 खड़ी हैं, ये गाड़ियाँ भी 4.6 हैं जबकि ये गाड़ी 5.0 है। अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 5 से 6 तक की देगी, जो कि मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है। आपको रिबॉन या MG जैसी गाड़ियाँ भी 8-9 तक की एवरेज देती हैं या 7-8 की भी देती हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसी गाड़ी से अगर आप 6 की एवरेज ले रहे हो तो कोई खास इशू नहीं है। बाकी मेंटेनेंस के लिहाज से ये गाड़ियाँ कोई बहुत ज़्यादा तंग नहीं करती। बोनट इस गाड़ी का स्टैंड से ओपन होता है। फीचर्स गाड़ी में काफ़ी डिसेंट दिए गए हैं, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, रडार, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी को बेहतर बनाती हैं। और इसके अलावा इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है। साउंड के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लाउड है। इसमें कट ऑफ एग्जॉस्ट वॉल्व भी आता है, यानी कि आप इसके एग्जॉस्ट की साउंड को लाउड या क्वाइट कर सकते हैं। इसके मोड्स मैंने आपको डेमोंस्ट्रेट किए थे अंदर। खैर, इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के ट्रायल साइज की, ट्रायल साइज जो मस्टैंग ऑफर करती है आगे, ये है 245, 45 और 19, और जो पीछे ऑफर करती है वो है 275, 40 और 19। इसके रिम्स और टायर स्टैगर्ड हैं, यानी अगले छोटे और पीछे ज़्यादा चौड़े हैं, और इसकी वजह यह है कि ये गाड़ी 400+ हॉर्स पावर है और सारी हॉर्स पावर पिछले टायरों पर जाती है, तो इसके अकोमोडेट करने के लिए पिछले टायर ज़्यादा छोटे दिए गए हैं। इसके अलावा ये गाड़ी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ऑफर करती है, यानी कि इसमें फ्रंट और बैक चारों पर डिस्क ब्रेक्स आती हैं जो कि इसकी ब्रेकिंग को भी अच्छा बनाती हैं।
फिर इसके अलावा स्पेसिफिक कार में टायर भी पिरेली के हैं जो कि कंडीशन के लिहाज से भी ठीक हैं, ये आपको 30-40 किलोमीटर तक एक अच्छे प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा इसके टायर और बॉडी के अंदर कोई खास गैप भी नहीं है, तो इसकी लुक और ज़्यादा बेहतर आ रही है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एयर के चैनल दिए गए हैं जो कि फ्रंट से वास्तक करके बैक से बाहर करते हैं और इसके एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।